हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रीत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रेसअप विद प्रीत, जहाँ मैं आपसे शेयर करती हूँ हॉल वीडियोस एंड स्टाइलिंग वीडियोस। आज का वीडियो जो है मीशो वेडिंग हॉल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आज की वीडियो में ना कुछ आपसे मैं हैवी एम्ब्रॉयडर्ड रेडीमेड ब्लाउजेज जो हैं शेयर करने वाली हूँ। इन सबके लिंक्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपको कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगता है, आप बाय करना चाहते हैं, तो आप उन लिंक्स के थ्रू बाय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को थम्स अप ज़रूर दें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज की वीडियो का फर्स्ट ब्लाउज जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो हैवी एम्ब्रॉयडर्ड ब्राइडल स्पेशल ब्लाउज आप उसको बोल सकते हो। अगर आप ब्राइड टू बी हैं तो आप इस तरीके के ब्लाउज अपने क्लॉजेट में ऐड कर सकते हैं। प्लस अगर आपने कोई वेडिंग अटेंड करनी है तो इस तरीके के हैवी एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज आप अपने पास ले सकते हैं। इस तरीके का ये पूरा ना हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला वेलवेट मटेरियल के अंदर ये ब्लाउज है। पैडेड ब्लाउज है, अंदर इसकी कॉटन का जो है अस्तर दे रखा है। पूरा ब्लाउज जो है ना फुली एम्ब्रॉयडर्ड है, इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी हो रखी है इस पे, और सर्वोस्की जो लगी हुई है। आगे से आपका ये पूरा ब्लाउज इस तरीके से है, पीछे से इस तरीके का है, डीप नेक है, पीछे बांधने के लिए टैसल्स दे रखी हैं। क्वालिटी बहुत अच्छी है, फिट जो है मुझे ना सब लूज है, क्योंकि मेरे को जो है 34 बस्ट साइज आता है, लेकिन 34 ना ऑलमोस्ट किसी में भी जो है अवेलेबल नहीं था, तो मैंने एक एक साइज बड़ा ही ऑर्डर किया है। और ऑल्टरेबल है ये, आप इनको ऑल्टर कर सकते हैं अगर आपको लूज रहता है तो। मैं ऑल्टर करा लूँगी इनको। इस तरीके का ये नेवी ब्लू कलर के अंदर है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के अंदर, फिनिशिंग बहुत प्यारी है, कपड़ा बहुत प्यारा है। इसको आप किसी भी साड़ी के साथ पहन सकते हैं, अगर आपको बहुत हैवी लुक कोई क्रिएट करनी है तो इस तरीके का ब्लाउज जो है ज़रूर ट्राई कर सकते हैं आप। ब्लाउज जो मैंने लिया है, मैंने ब्रोकेड फैब्रिक के अंदर लिया है, मरून शेड में। अगेन बहुत ही रेगुलर, मतलब आप इसको वेडिंग के अंदर तो बिल्कुल यूज कर सकते हैं, और अगर आपकी मैरिज होने वाली है तो आप इस तरीके के ब्लाउज अपने क्लोजेट में ऐड कर सकते हैं। ब्रोकेड फैब्रिक के अंदर ये पूरा ब्लाउज है, इस तरीके से पैडेड ब्लाउज है। जितने भी ब्लाउजेज हैं ना सब पैडेड है, और सबके अंदर अस्तर लगा हुआ है, कोई भी बिना अस्तर वाला ब्लाउज नहीं है, और सबकी क्वालिटी बहुत अच्छी अच्छी आई है इस बार भी। इस तरीके से आगे है, ये हाफ स्लीव ब्लाउज है, स्लीव पे इस तरीके से जो है ना इसके लेस लगी है। इसके अंदर आई गेस ऑल कलर्स भी अवेलेबल थे, मुझे ये कलर अच्छा लग रहा था। जो मैंने फर्स्ट ब्लाउज शेयर करा उसमें भी बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे, आप चेकआउट कर लेना। आगे से इस तरीके का है, वी नेक बना हुआ है, नेक के ऊपर भी जो है इस तरीके से पूरी लेस की डिटेल है, पीछे से डीप नेक है इस तरीके का, और टैसल्स दे रखी हैं बांधने के लिए। प्लस इसका जो डिज़ाइन है ना, ये बहुत प्रीमियम क्वालिटी वाले जो प्रीमियम ब्लाउजेज होते हैं ना, उस तरीके का डिज़ाइन है। कपड़ा भी इसका अच्छा है, चुभने वाला नहीं है, आप ज़रूर बाय कर सकते हैं। सो यस, दिस इज़ द नेक्स्ट प्रोडक्ट। ब्लाउज़ जो मैंने लिया है वो भी मैंने वेलवेट फैब्रिक के अंदर लिया है। वेडिंग्स के अंदर ना, अभी विंटर वेडिंग्स के अंदर वेलवेट के ब्लाउजेस बहुत सही रहते हैं, ब्रोकेड के वेलवेट, क्योंकि मोटा होता है ना कपड़ा, तो आपको ठंड नहीं लगती इतनी ज़्यादा। बाकी वही है कि ठंड तो है तो लगेगी, बट फिर भी आप थोड़ा बहुत बच सकते हैं ठंड से। इस तरीके से ये वेलवेट का ब्लाउज है, फ्यूशिया डार्क पिंक शेड के अंदर, अगेन अप्रोप्रिएट फॉर वेडिंग्स। इस तरीके से इस पर एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, स्लीव्स पे इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी, हाफ स्लीव्स है, बहुत ही सही कपड़ा है, फुली एम्ब्रॉयडर्ड है आगे से, पीछे से भी जो है फुली एम्ब्रॉयडर्ड है। इसकी जो हुक्स दे रखी है ना वो आगे की तरफ दे रखी हैं, और ब्लू वाली की जो मैंने फर्स्ट शेयर किया था उसमें भी आगे की तरफ दे रखी है, लेकिन ब्रोकेड वाले में पीछे की तरफ हुक्स दे रखी हैं। फुली जो है एम्ब्रॉयडर्ड है, फुली आपका जो है लाइनिंग लगी हुई है अंदर इसके, बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छा फैब्रिक है। इसमें भी अगेन और भी कलर्स अवेलेबल थे, आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको परचेज करना है तो।
ब्लाउज जो मैंने लिया है अगेन ब्रोकेड फैब्रिक के अंदर लिया है, इस तरीके से वी नेक, डीप वी नेक इसका है गला, हाफ स्लीव्स है पूरा इस तरीके से ब्रोकेड का, इसके ऊपर डिजाइन बना हुआ है आगे से ऐसा है ये, पीछे से बहुत ही ज्यादा इसका डीप नेक है, मतलब अच्छा डीप नेक वाला ब्लाउज है। अगर आपको डीप नेक ब्लाउज चाहिए ना तो अच्छा है ब्लाउज। पीछे इसके टैसल की डिटेल दे रखी है, अगेन पैडेड है, लाइनिंग लगी हुई है अंदर, और इस तरीके से ना ये आपका अंगरखा स्टाइल वाला गला है, ये पीछे से इस तरीके का है, आगे से इस तरीके का है। सेम मैंने इसी कलर इसी डिजाइन के अंदर ना एक ग्रीन कलर भी ऑर्डर किया, बॉटल ग्रीन कलर ये वाला, ये है फ्यूशिया पिंक, बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल है, बहुत अच्छा लगा है मुझे ना। आप ट्राई ऑन देख लो इसका किस तरीके का लग रहा है। लिया है मैंने इसी के अंदर, वो मैंने ये ग्रीन कलर के अंदर लिया है, इसका साइज थोड़ा बड़ा है, मुझे अल्टर करना पड़ेगा। डीप वी नेक है, हाफ इसकी स्लीव्स है, इसके ऊपर इस तरीके का डिजाइन है, उसके डिजाइन और इसके डिजाइन में फर्क है, मतलब ये जो ब्रोकेड वाला डिजाइन है ना ये अलग है, लेकिन फैब्रिक बिल्कुल सेम है। आगे से ऐसा है ये, पीछे से अगेन डीप नेक है, पीछे हुक्स की डिटेल दे रखी है, लाइनिंग अंदर दे रखी है, इसके कॉटन की, कॉटन का अस्तर दिया हुआ है, और पीछे इसके जो है तीन चार हुक्स दे रखी हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ना इसकी हुक साइड कर लेना, ऑल्टर करा लेना अपनी बस साइज के अकॉर्डिंग। क्वालिटी बहुत अच्छी है, फैब्रिक बहुत अच्छा है, कलर बहुत अच्छा है, अप्रोप्रिएट फॉर वेडिंग सीजन, फेस्टिवल सीजन, बहुत अच्छा लगेगा पहना हुआ। ब्लाउज पीस जो है इसका ऑलरेडी ना एक ग्रीन कलर मैं पिछली ब्लाउजेस हॉल वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपने वो चेकआउट नहीं करी तो आप ज़रूर चेकआउट कर लेना। मेरे को इतना अच्छा लगा था कि मैंने इसमें ये वाला कलर भी ऑर्डर कर लिया, और भी कलर्स अवेलेबल हैं, मुझे ये भी अच्छा लग रहा था, ऑरेंज रस्ट कलर के अंदर है ये। इस तरीके से ना आगे चोली कट के अंदर डिज़ाइन है, अगेन सभ्यसाची इंस्पायर्ड ब्लाउज है, हाफ इसकी स्लीव्स हैं, स्लीव्स के ऊपर पूरा जरी वर्क दे रखा है इस तरीके से, अच्छी एम्ब्रॉयडरी है जरी के अंदर आगे भी और पीछे भी, गला आपका पूरा फुल्ली एम्ब्रॉयडर्ड गला है आगे भी और पीछे भी। फैब्रिक इसका जो है ना, इसका जो फैब्रिक है ये सिल्क मटेरियल है, जो आपका डुपियन सिल्क होती है ना वो वाला सिल्क मटेरियल है। फैब्रिक अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, पीछे से इस तरीके की इसकी लुक है, आगे से इस तरीके की इसकी लुक है। इसमें भी बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है, ग्रीन शेयर करा मैंने आपसे, रस्ट शेयर करा, और कोई कलर आपको चाहिए तो परचेज कर सकते हैं। इसमें आई गेस पिंक कलर भी अवेलेबल है, वाइट कलर भी अवेलेबल है, रेड भी अवेलेबल है, मरून भी अवेलेबल है। मेरे पास रेड मरून है, ये वाले कलर का नहीं था तो मैंने इसीलिए इसको ऑर्डर किया है। इसका ट्राई ऑन आप देख लो कैसा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी क्वालिटी, प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छा है प्रोडक्ट। आपका पूरा फुली एम्ब्रॉयडरी वाला है, स्लीव्स पे इस तरीके से इसके एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, फ्रंट पे पूरे इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, इसके पीछे से भी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, पूरे ब्लाउज पे स्लीव्स पे भी पीछे भी एम्ब्रॉयडरी है, आगे भी एम्ब्रॉयडरी है, डीप नेक है, टैसल की डिटेल दे रखी है पीछे बांधने के लिए। इसका जो फैब्रिक है वो भी आपका जो है ना सिल्क फैब्रिक है, लेकिन चंदेरी सिल्क वाला फैब्रिक होता है ना वो वाला फैब्रिक है ये। अगेन इसके अंदर भी मैंने अल्टरेबल साइज़ दिया है, आप इसको अल्टर कर सकते हैं अपनी बस साइज़ के अकॉर्डिंग। इस तरीके का है ये ब्लाउज़, क्वालिटी इसकी डिसेंट है, मतलब मेरे को बहुत हाई क्वालिटी का ब्लाउज़ नहीं है, लेकिन प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग मुझे इसकी क्वालिटी ठीक लगी है उस हिसाब से, क्योंकि जितने जितने के ये ब्लाउज़ और डिज़ाइन है ना इतने में तो आप मतलब आप स्टिच भी करवाओगे ना स्टिचिंग ही लग जाती है इतने की, तो इनफैक्ट इससे महंगी
स्टिचिंग आपका ब्लाउजेस की है, आजकल सूट से भी ज़्यादा महंगे ब्लाउजेस स्टिच होते हैं, तो रेडीमेड ही मैं प्रेफर करती हूँ, बस थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन की नीड पड़ती है बट हो जाता है परफेक्ट। इस तरीके से ब्लाउज है, ये डिसेंट क्वालिटी के अंदर है, ट्राई ऑन आप इसका चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट एंड फाइनल ब्लाउज जो मैंने ऑर्डर किया है वो मैंने गोल्डन कलर के अंदर ऑर्डर किया है, देखते हैं किस तरीके का वो है। ब्लाउज जो है ना ये इस तरीके का है, इसका आगे स्वीट हार्ट नेक दे रखा है, स्लीवलेस स्लीव्स हाफ स्लीव्स है, स्लीव्स पे इसके इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी हो रखी है आगे भी और पीछे भी। सैटिन फैब्रिक के अंदर ये ब्लाउज है, आगे भी इसके एम्ब्रॉयडरी है और पीछे भी गले पे इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी दे रखी है, टैसल्स दे रखी है। ये मुझे ब्लाउज ना, मुझे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी इस ब्लाउज से कि काफ़ी अच्छा होगा ये, लेकिन उस हिसाब से ये ब्लाउज मुझे लगा नहीं है। एम्ब्रॉयडरी इसकी अच्छी है, फिनिशिंग भी ठीक है, ठीक ठाक फिनिशिंग है प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग, लेकिन ये प्रोडक्ट ना और अच्छा हो सकता था बट मुझे इतना खास नहीं लगा, ये ठीक ठीक लगा है बट यस चल जाएगा फिर भी आपको ना बहुत सारी चीज़ों के साथ। आप ट्राई ऑन में देख लो किस तरीके का लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, मुझे ठीक ठीक लगा है। अदरवाइज बाकी सारे ब्लाउजेज जो हैं मुझे सभी ब्लाउजेज की क्वालिटी फिट अच्छा लगा है, अगर थोड़े थोड़े ऑल्टर हो जाएंगे तो। आज की सारी वीडियो, आई होप आपको वीडियो प्रोडक्ट्स अच्छे लगे हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को थम्स अप जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, बहुत ही जल्द हम फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे सेफ, बाय बाय।